किसान भाइयों, गेहूं कटाई का समय आ गया है और आज मैं आपको एक ऐसी मशीन दिखाने वाला हूं, न सिर्फ ये गेहूं धान काटती है बल्कि कम लागत में इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं और कम लागत में इन्वेस्टमेंट करके न सिर्फ अपना काम कर सकते हैं बल्कि दूसरों को काम करके इससे पैसे भी कमा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये कम लागत में मल्टीपर्पज मशीन है तो ये आपके बहुत ही काम की होने वाली है। ये मशीन है, कौन कौन से काम कर सकती है, इसकी क्या कॉस्ट है, सब कुछ जानने वाले हैं। कंपनी के ओनर हमारे साथ हैं, हम इनसे जुड़ने वाले हैं, पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, आप इतनी दूर जो है पधारे। और सभी मेरे किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम, और सभी का किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत है। हमारी कंपनी है मेरे किसान भाइयों नियर बाई कृषि उपज मंडी नदवई भरतपुर राजस्थान के अंदर। जी तो सर, ये कौन कौन सी मशीनें हैं इसके बारे में जानकारी, अलग अलग चीज़ें लगा रखी हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी मोस्टली क्या है कि हमारे किसान भाई की जो समस्या है वो यह है कि लेबर कॉस्टिंग को लेके, क्योंकि जब गेहूं कटाई का सीजन आता है तो उस टाइम पर लेबर कॉस्टिंग है वो सर चढ़ के बोलती है। जी बिल्कुल। तो हमारे किसान भाई की मुख्यतः समस्या बन जाती है कि लेबर कहाँ से लाएं, और मिल भी जाए तो कम से कम 600 रुपये 700 रुपये इस तरीके से जो है हमारे किसान भाई का खर्चा होता है। बिल्कुल। तो अब एक लेबर का इतना खर्चा है तो एक बीघा एक एकड़ की कटाई करने में कितना खर्चा होता होगा? बहुत। तो मेरे किसान भाई का मोस्टली 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है, और कई बार ऐसा होता है लेबर के चक्कर में बारिश आ गई तो फसल को नुकसान हो गया, तो मेरे किसान भाई को कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। दूसरा, इससे आप अपना तो काम कर ही रहे हो, साथ के साथ मेरे किसान साथियों इस छोटी सी मशीन से आप जो देख पा रहे हैं इससे मेरा किसान भाई चाहे दूसरे का रोजगार भी कर सकता है। करीब पर डे कम से कम 1500 से 2000 रुपये इस मशीन के माध्यम से कमा सकता है मेरा किसान भाई। इस मशीन की कॉस्ट को मात्र मात्र 2-3 दिन में निकाल देगा, इतने कम बजट की आपको ये मशीन लेके आए। जी सर, तो सर सबसे पहले मशीन का नाम बताइए, उसके बाद ये कौन कौन से काम कर सकती है उसके बारे में जानकारी लेना शुरू करेंगे हम। दोस्तों, इस मशीन का नाम कोई ऐसा तो है नहीं, कोई अजूबा है। ये मशीन हमारे इंडिया में लगभग 8 से 10 साल से चल रही है, और वही मशीन मैं लेके आया हूँ। पहली बात ये मेरे किसान भाइयों, ये वो मशीन है कि बहुत कम बजट में आपके बहुत सारे काम करने वाली है। यही नहीं है कि ये फसल कटाई करेगी, आप इससे निराई गुड़ाई करना चाहते हैं तो निराई गुड़ाई कर सकते हो, आप लोगों को अपने पेड़ों की टहनियाँ काटनी है तो वो आप कर सकते हो, आपको घास की कटाई करनी है तो वो आप काट सकते हो, इनमें वाटर पंप चलाना है तो वाटर पंप भी चला सकते हो। तो मेरे किसान भाइयों, ऐसा कोई काम नहीं है जो ये मशीन कर नहीं सकती। जैसे बड़ी घास होती है उसको काटना होता है तो उसको भी काट सकते हैं। तो मेरे किसान साथी, यही नहीं कि ये गेहूं की कटाई करेंगी, ये धान की भी कटाई करेंगी, बरसीम की भी कटाई करेंगी, जौ की भी कटाई करेंगी, जई की भी करेंगी, आपका चना हुआ, मूंग हुआ, मसूर हुआ, सबकी ये कटाई करने वाली है। इन मशीनों को ब्रश कटर बोला जाता है मेरे किसान भाइयों। जी सर, तो सबसे जो पहले है कटाई का सेटअप लगाया हुआ है उसके बारे में बताएं, और उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टहनी काटने के जुगाड़ भी है, ये चैन सा लगा रखा है आपने, उसके अलावा आप देख रहा हूँ मैं यहाँ पे आपने काफी सारी चीजें रख रखी हुई हैं। जी जी, देखिए मैंने आकाश जी बताया कि मेरा किसान भाई कम बजट में इस मशीन से, ये तो कुछ अटैचमेंट नहीं है, बहुत सारे अटैचमेंट लगा सकता है इसमें और अपना काम जो है कर सकता है।